अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। एंड आज की ये वाली वीडियो भी आई होप आप लोग भरपूर एंजॉय करने वाले हो। एंड आ चुका है आपका भाई लेविक के अंदर तकरीबन 2-3 महीनों के बाद। जी हाँ, इतने टाइम से मैंने नहीं खेला है लेविक को। अगर खेला होता तो आपको वीडियोज़ भी देखने को मिलते। और यार आपके इतने ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे लेविक में, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं यार, ये भी अपना मैप है भाई, अपना समझ कर खेलते हैं। स्कोर है भी पाकिस्तानी लो भी। गन उठाई, लौंडा सामने, अरे किधर जा रहा है पीछे देख। अरे बच कैसे गया यार, ये तो मेरा शिकार था यार, मेरे मुंह से नवाला छीन लिया। कोई बात नहीं, सामने आओ। अरे उसको फिनिश भी दे दी यार, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। खैर कोई नहीं, उसी का किल था, उसका हक बनता है। अब यहाँ आपके भाई को मिल गई डीपी, अब नहीं बच सकता। ये देखो ऐसे रिकॉइल जाएगा ज़ीरो होके। ये बात आई थिंक पहले से डैमेज था, नहीं इसके पास हेलमेट वेस्ट नहीं थी इसलिए दो ही पड़ी। लो जी भाई, इनको अब याद आई है गन उठाने की। इतनी लेट लैंडिंग कौन करता है यार। नॉट बैड नॉट बैड यार, ये लड़का तो काफ़ी डैमेज दे गया। खैर यहाँ पर जो किल पड़े हुए इनको जल्दी से सिक्योर कर लेते हैं। एंड गाइस हाँ, एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि यार ईद वाले दिन भी शायद आपके भाई की वीडियो आए। एंड ईद स्पेशल हो मे भी, आप लोग कॉमेंट करके बताना अगर आपको ईद स्पेशल वीडियो चाहिए ईद के पहले दूसरे दिन। अब यहाँ पर एक दो लौंडे आकर ऊपर बैठे थे, मैं इधर घोंसले में फेंका, शायद इधर था कोई। नहीं, ये बंदा ऊपर आ चुका था भाई। कितने सयाने यार लोग, जगह चेंज करते हैं। मैंने भी जगह चेंज की बट यहाँ से ये बच गया। एंड सामने एक बंदे का साउंड आ रहा था, मैंने कहा उसको पकड़ लेते हैं। एंड ऊपर से भी मुझे डर लग रहा था कहीं ये देखे ना। ये देखो मैं देख देख के जा रहा था। खैर ये वाला जो बंदा था ना, ये भी यहाँ से भाग जाता आगे को। अरे भाई क्या कर रहे हो, शायद इसका पिंग हाई हो गया, बेचारे का क्राउच जो है ना अटक गया। खैर मेरे जैसा एक सूट था इसका। एंड दूसरा टीम इसका टीममेट सामने से आ रहा था, मैंने कहा फ्री फायर देते हैं। ओके तो गाइस, ये लोग यहाँ पर नॉक हो गए थे तो मैंने छोड़ा थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर इनका कोई टीममेट है तो इनको बचाने के लिए आ जाए। लेकिन कोई नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ फिनिश कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पर एक और बंदा बचा है, एंड वो बंदा कतई पिरो है, क्या ही खेल रहा था। आप लोग यहाँ पर सीन देखना। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से मुझे साउंड आती है बंदे की, तो मैंने कहा चलो जाकर देखते हैं। अरे भाई भाई अचानक से निकला, एंड काफ़ी डैमेज था, अच्छा खेल गया, ड्रॉप शॉट दे गया। एंड ये तालियां भी बजाता है मेरे लिए, मैंने कहा रुक ज़रा सबर कर, ताली बजाऊंगा तो मैं तेरे को मार के हैं, समझ रहे हो आप, रिवेंज लेंगे इससे। एंड यहाँ पर एक और बंदा था नीचे गिली वाला, ये इसी से फाइट ले रहा था। ये देखो आपस में फ़ाइट ले रहे हैं लोग, तो इसको यहाँ पर मैंने लगे हाथ ही निपटा दिया ताकि किल चोरी ना हो जाए। अरे भाई अल्लाह का वास्ता है, खुदा का खौफ कर यार, मतलब मेरा तरा निकल गया यार, मतलब क्या है यार, मैं नहीं खेल रहा भाई। मैंने कहा भाई छोड़ो, अब इसको घुस के मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यार ऐसे ना खेला करो भाई, बिल्कुल साउंड तो दे दिया करो, बेशक टीपीपी लेकर खेलो, इट्स ओके। अब यहाँ पर साथ ही मैंने इसके ऊपर मोली कर दी, एंड ये बंदा मोली से यहाँ पर नहीं जला। ओ भाई उड़ उड़ के मार रहा है, तो मैंने कहा यार रुक ज़रा सब्र कर, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हीलिंग कर लेता हूँ। एंड फिर मैंने सोचा यार डायरेक्ट पुश कर लेते हैं, देखी जाएगी। तो बस फिर क्या था, अब आपके भाई ने कहा ये मेरी बारी ताली बजाने की। सो लगे हाथ इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया। एंड सामने से एक और बंदा आता है, सो यहाँ पर मैं बिल्कुल कवर में चला जाता हूँ। एंड हील का टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं। इसको यहाँ पर मैं मारता हूँ, नीचे होता है, एंड ये फिर पीक कर देता है। सो इसको दो ही पड़ती है, ये रिविन लेने आया होता है, ये वही बंदा होता है जिसका पहले पिंग हाई होता है। एंड उसके बाद जहाँ पर एक कॉन्कर प्लेयर भी आ जाता है, इसको भी फिनिश कर देता हूँ, लूट उठाता हूँ, एंड यहाँ से निकल जाता हूँ। पंची बनी फिरू मस्त गगन में, आग लगे चमन में, आ स्नेक। अरे ये तो वही गुज्जर था यार, ये मेरे हाथों से बचा था ना स्टार्टिंग में, इसका किल किसी और ने उठा लिया था। खैर गुज्जर भाई को आपके भाई ने नॉक कर दिया, इसका कोई टीममेट इसको बचाने के लिए नहीं आया, तो मैंने कहा चलो यार जा करना लगे हाथ फिनिश कर देते हैं।
जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूँ, इसका टीममेट लगे हाथ ना, वो डायनासोर लेके आ जाता है बड़े वाला। तो मैंने कहा उससे बचने का एक ही तरीका मेरे पास फिलहाल यहाँ पर, इस तरह से ये देखो भाई भाई, क्या ही आपका भाई यहाँ पर बचा, नहीं तो ये मेरे ऊपर ही चढ़ा देता। खैर अब बारी थी इस बंदे के ऊपर पुश करने की, एंड मैंने कहा चलो चील को छोड़ते हैं। भाई साहब यहाँ पर काफ़ी डैमेज दे गया, लूट उठाते हैं इसकी। एंड अब मैंने इसका डायनासोर उठा लिया, एंड मैंने सोचा यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही मैं निकलता हूँ पीछे मेरे को एक और बंदा दिखता है, तो मैंने कहा चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। अब इसकी पेटी बनाने के बाद मैंने कहा चलो अब निकलते हैं। जून जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना सही नहीं रहेगा। जैसा कि अभी राइट लेफ्ट दोनों से पड़ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं रुकते, जून जो है वो डैमेज दे रहा है। एंड यहाँ जो बंदा था ना, मैंने कहा चलो इससे फाइट ले लेते हैं, इसको यहाँ पर जून आना है तो इसका जून ही काट लेते हैं। ओ भाई ये तो वही बंदा था जिसको अभी मैंने चील से उतर कर मारा था। खैर मैंने कहा चलो अब जून में चलते हैं, अपना डायनासोर उठा लेते हैं। अरे भाई रुक जा, सब्र कर यार, मेरा सारा डायनासोर डैमेज कर दिया इसने। तो मैंने कहा चलो जाते हैं इसके पास, एंड ये बंदा यहाँ पर जून में आने की करता है। अरे भाई किधर से यार, बार बार बचे, जल्दी से यहाँ पर किट लगा लेते हैं। एंड आई थिंक सामने हैं बंदे। ओके तो दो बंदे मुझे दिख चुके हैं पत्थर पर, तो चलो इनको यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप से लेने की ट्राई करते हैं। अरे नहीं भाई ये तो मेरे ऊपर ही यार एम लेकर बैठे हैं। एंड यहाँ पर जो जून है ना वो भी चलने वाला है, तो मैंने कहा ये लोग मेरा जून काट, इससे पहले मैं निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं डायनासोर के पास पहुंचा यार, वो तो अपनी लास्ट सांसें ले रहा था, मतलब दम तोड़ गया। तो इन लोगों ने डायनासोर फोड़ दिया मेरा, इनको पता था मुझे जून जाना है। खैर इनको सामने शायद कोई और बंदे भी टक्कर जाते हैं, एंड मुझे सामने एक स्नेक नज़र आता है। तो आपका भाई इसको लगे आज यहाँ पर नोक करता है, एंड मैंने कहा अभी यहाँ पर बारी है जून में जाने की, अभी टाइम है। ओके तो गाइस ये बंदे यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं, एंड अभी लास्ट के दो बंदे बचे हैं, वही बंदे बचे हैं जो मुझे जोन में नहीं जाने दे रहे थे, गंदे वाला स्प्रे दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं उनके ऊपर। अब ये बंदा अपने टीममेट को ना रिवाइव दे रहा होता, तो मैंने कहा रुक ज़रा सब्र कर। एंड गाइस साथ ही यहां पर आपके भाई का चिकन डिनर हो जाता है 18 किल के साथ। तो आज की ये फुल गेम प्ले आपको कैसी लगी, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड अगर मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।